श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का भव्य समापन उपरांत जनमानस के लिए महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। अभिषेक सिंह वाराणसी नाटी इमली स्थित लेबर कॉलोनी में आयोजक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कथा के समापन के अवसर पर सभी के लिए महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। लगभग 5000 लोगों के भंडारे के आयोजन में पूरी सब्जी बुनिया गुलाब जामुन आदि का महाप्रसाद भक्तों ने ग्रहण किया। उक्त अवसर पर मुख्य आयोजक नागेंद्र सिंह ने बताया कि भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का दिव्य समापन हुआ। सभी लोगों ने भगवत कथा श्रवण किया व उसका लाभ उठाया। अनुकरण आज यहां पर प्रसाद दे के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि प्रतिवर्ष इसी प्रकार का सामर्थ्य व सहयोग बना रहे। पुनः भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। समस्त प्रदेश के कल्याण हेतु इस पितृपक्ष में इस महा आयोजन को किया गया है। सभी के पितृ पूर्वज तृप्त हो यही कामना करते हैं। अब मौके पर आयोजन में मुख्य रूप से अभिषेक सिंह मनोरमा सिंह रेणु सिंह आदि ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में उपस्थित रहे। हमें लग रहा है भाई भाई हाँ भाई क्या है ये कार्यक्रम है। हम वीडियो भेजे हैं ना प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए फिर से बता। मैं मनोज रावत अच्छू हूँ और वाराणसी ट्रेन व्यवसायी के एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और विवेक भाई और अभिषेक सिंह जी हमारे संस्था के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और जैसा कि ये विदित है कि टेंट और कैटरिंग करने वाले लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं और इस कार्यक्रम को देखकर आप सबको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए और सार्वजनिक सद्भाव बनाने के लिए टेंट और कैटरिंग वाले व्यवसायी सदैव तत्पर रहते हैं और त्याग की भावना से काम करते रहते हैं। जी सर प्लीज अपना जी नमस्ते। मैं अभिषेक सिंह और बाबा केटस हमारा फर्म है, ये हमारा सारा परिवार है। हाँ कल हमारे कथा का सातवां दिन था। कथा विश्राम हुआ, इसके बाद हमारा हवन हुआ। आज उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रसाद वितरण मतलब भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सातों दिन जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े कॉलोनी के लोग परिवार के लोग रिश्तेदार जितना तो सभी प्रसाद ग्रहण करें। जिस तरीके से सनातन और हिंदुओं को दबाने का कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे जितना जरूरी है हिंदुओं को एक साथ आना। हाँ ये भी एक अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से बस हम ये संदेश देना चाह रहे हैं जो भी लोग न्यूज़ देखें कि सभी लोग जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप देखे होंगे किसी भी कार्य क्षेत्र या कोई भी त्यौहार हो हर चीज़ वो लोग एक होते हैं। तो हमारे भी जितने सनातनी भाई हैं वो आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लें, कथा प्रयोजन सत्संग या जो हमारे सामाजिक सनातनी कार्य हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को जोड़ने का कार्य करें। भंडारा सर कब तक चलेगा? और भंडारा सर भंडारा आपका 5 बजे से शुरू हमने कराया है और आपके आगमन तक का मतलब है कि जब तक भंडारा और ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है तो समाप्त तो होगा ही नहीं, तो जब तक लोग आएंगे हम लोग तब तक खिलाएंगे और इसकी कोई गिनती नहीं है कितने लोग आएंगे। फिलहाल तब भी हम लोगों ने 4 से 5 हज़ार की व्यवस्था की है अनेक अनुमानित, अब उसके बाद भी अगर लोग बढ़ते हैं तो उसकी भी व्यवस्था पूरी है। बढ़िया। तो अभी हमारे परिवार के आशीर्वाद से ये हम लोगों ने प्रथम बार किया है और ऐसा अनुभव मिला है हमें जिसे हर साल करने का मन है हमारा। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सिंह है, मैं भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता हूं और बाड़ू के फूफा जी हैं और हम लोग जो है आज इस समापन के शुभ अवसर पर आज प्रसाद ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्देश्य भागवत कथा का हमारे जीवन में है कि हम इसको सुन करके और अक्षरशः इसका पालन करें तभी ये हमारे लिए सफल होगा। सर आप भौतिकी के अध्यापक हैं और अध्यात्म का क्षेत्र है, लोगों को यहाँ पे रोकना कितना कठिन होता है, क्या कहेंगे? सब सारा मैनेजमेंट और जो ये भागवत कथा ये भगवान की प्रेरणा है कि सब लोग जो इच्छा शक्ति जिसकी है सुनने की वो अपने आप सब लोग रुक जाते हैं, किसी को रोकना नहीं पड़ता, सब लोग अनुशासन में बैठ करके शालीनता पूर्वक पूरे जो 3-4 घंटे कथा होता है उसका श्रवण करते हैं और
शांतिपूर्वक अपने घर चले जाते हैं। जी जी महाराज जी, अपना शुभ परिचय देते हुए इस आयोजन के समापन। हम नागेंद्र सिंह हैं, बिट्टू बाढ़ू के बाबा जी हैं। महाराज जी, बड़ा ही पावन ये जो भागवत भंडारा कार्यक्रम है, ऐसा होना चाहिए और उसी का प्रतिफल है सब कुछ हो रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो भागवत कथा का जो माध्यम है, हर घर घर में क्लेश है, द्वेष है, कितना जरूरी होता है भगवान का उसको सुनने से सब पाप हर जाते हैं। समझे, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को धर्म पाप से हटा दे, सब उसमें तार देते। मन में कहाँ से ये विचार आया कि पितृपक्ष के हम लोग कराए हैं, पितृपक्ष के लिए, पितरों के शांति के लिए यह कार्यक्रम कराया गया है। क्या कहेंगे प्रदेशवासियों के कार्यक्रम के बारे में, कुछ कहेंगे? मतलब हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग मतलब इसको सुन करके अपने भाव विभोर हों, अपने आत्म मंथन करें और ऐसे अपने विचारों को बदलें और इस तरह से जीवन में शांति मिलेगी और सब पितरों को भी शांति मिलती है।